वेल एजुकेटेड स्टाफ और बेहतरीन स्कूल कैंपस के साथ आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए हमेशा तैयार HD सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिहोर। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चरखी दादरी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भारत स्काउट एवं गाइड के कैंप में 3305 स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया गया। चरखी दादरी जिले के विभिन्न स्कूलों के 271 स्काउट गाइड इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। कैंप 31 जुलाई तक चलेगा। 4 दिवसीय कार्यक्रम में नियम प्रतिज्ञा, ध्वज प्रार्थना, झंडा गीत सहित आदि सिखाया गया। इस दौरान स्वच्छता, जल संरक्षण, सड़क सुरक्षा, बाल अपराध, नशा उन्मूलन, प्राथमिक चिकित्सा, रस्सियों से गांठ बांधना तथा टेंट लगाना आदि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैंप में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। स्काउट गाइड का कैंप होता है, इसमें हमने कल ये नोट समाई सिखाई गई थी, इसके हमें ट्रेनिंग दी गई थी कि कल कैसे हमें टेंट बनाना है और कैसे लगाना है। तो आज हमारी इसकी प्रैक्टिस थी और हमें पोजीशंस निकालनी थी, कौन कैसे लगाता है, किसको कितना समझ में आया। तो आज इन ये टेंट लगाए गए थे, इनमें से पोजीशन निकाली गई थी। ये हमारे लाइफ टाइम के लिए आगे काम आते हैं। जैसे अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें यहाँ की ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों को हमें आना चाहिए। अगर हम कहीं भी हिली एरियाज वगैरह में कहीं भी जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कैसे टेंट बांधे जाते हैं। अगर हमें वहाँ रुकना पड़े तो हम कैसे रुक सकते हैं टेंट में, इसके लिए हम रुक सकते हैं इस वजह से। तो जो ये कैंप है, अकेला ये टेंट लगाने से तक ही सीमित है या कुछ और भी आप यहाँ पर? इसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, इसमें कैसे हमें अपना अकेले अगर हम कहीं भी टूर वगैरह पे जाते हैं तो हमें कैसे मैनेज करना पड़ता है, मैन मैनेजमेंट कैसे करनी पड़ती है, मनी का कैसे मैनेजमेंट करना, बहुत सी चीजें ऐसी सिखाई जाती है जो हमारे आगे लाइफ टाइम तक काम आती है। ये भारत स्काउट गाइड का एंड गाइड का ये कैंप लगा हुआ है। यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा चीजें सीखी, जैसे हमारे की किसी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमारे स्टडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम का है ये। और ऐसे हमारे टेंट वगैरह, हमारे ये तंबू, जैसे हम कहीं भी बाहर जाते हैं टूर वगैरह पे अपने परिवार के साथ, तो फिर उसके साथ हम मैनेज करना जानते हैं कि कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। पर तीन विंग होती हैं, जूनियर बच्चों को कब कहा जाता है, बड़े बच्चों को स्काउट और उससे बाद में रोवर। इसी तरह लड़कियों का गाइड, रेंजर और बुलबुल, तीन विंग होती हैं। इनमें मुख्य रूप से तीन चीज सिखाई जाती हैं, ड्यूटी टू सुप्रीम पावर, ड्यूटी टू सोसाइटी एंड ड्यूटी टू सेल्फ, और राष्ट्र भावना बच्चों में भरी जाती है। कैंप के दौरान चरखी दादरी की दुर्गा शक्ति की टीम ने लड़कियों को दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में जागरूक किया और लड़कियों से अपराध को ना छुपाने के लिए प्रेरित किया। शिक्षक ब्रिज मोहन ने बताया कि स्काउट गाइड की इस कार्यशाला में बच्चों को हर किसी माहौल में ढलने के साथ ही आपदा जैसी परिस्थितियों में लोगों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। हरियाणा भारत स्काउट एंड गाइड की तरफ से प्रत्येक जिलों में 3305 का कैंप लगाया जा रहा है। इसमें हम बच्चों को स्वावलंबी बनने की ट्रेनिंग देते हैं और किस प्रकार बिना किसी साधन के बच्चे अपनी ज़िंदगी को जो है अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, अच्छी तरह से जी सकते हैं, ये हम इसमें स्काउटिंग के माध्यम से सिखाते हैं। इसके साथ साथ इन बच्चों को हम देश सेवा, समाज सेवा के बारे में भी भावना को भरते हैं। इसमें बच्चे राष्ट्रपति स्काउट प्राप्त करके रेलवे में और नेवी में, पुलिस में भर्ती हो सकते हैं। इनको 3305 पास का जो है सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद ये एक साल के बाद ये बच्चे राज्य पुरस्कार के लिए तारा देवी शिमला में जाएंगे, वहाँ इनका टेस्ट होगा। ये सारी चीज़ें जो हमने सिखाई है वहाँ पर इनकी जो है टेस्टिंग होगी, उसके बाद इनको राज्यपाल पुरस्कार मिलेगा। उसके एक साल के बाद इनको राष्ट्रपति अवार्ड की टेस्टिंग कैंप में हम भेजेंगे, वहाँ पर दोबारा इनके टेस्ट होंगे और वहाँ अगर ये बच्चे पास होते हैं तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि कार्यशाला में बच्चों को नियम प्रतिज्ञा, ध्वज प्रार्थना, झंडा गीत सहित प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया गया है। 28 जुलाई 2018 से भारत स्काउट एंड गाइड्स का ये तृतीय सोपान का शिविर चल रहा है। इसमें बच्चों को स्काउटिंग का इतिहास, स्काउटिंग के नियम प्रतिज्ञा, झंडा गीत, प्रार्थना आदि के बारे में सिखाया गया है। इसके अतिरिक्त अनुमान लगाना, गजट बनाना, टेंट बनाना और जो कंपास होता है, दिशा सूचक यंत्र, इनके बारे में जानकारी दी गई है। बच्चों का मनोरंजन भी कराया गया है और इसी शिविर के दौरान बच्चों को अनुशासन, समाज सेवा, किस प्रकार हमारी भागीदारी होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान में रख करके बच्चों को इस कैंप में प्रशिक्षण दिया गया है। कितने दिन का कैंप है? ये 4 दिन का कैंप है। कल अंतिम दिन है, कल इसकी सर्वधर्म प्रार्थना के साथ समाप्ति हो जाएगी। पर जो स्कूल की तरफ से क्या कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे? ये विभागीय कार्यक्रम होता है, भारत स्काउट गाइड हरियाणा राज्य मुख्यालय चंडीगढ़ की ओर से ये शिविर है और शिक्षा विभाग से इसके लिए ग्रांट दी जाती है। विद्यालय को केवल अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है, अपना जो ये स्थान है, परिसर है, इसमें जो सुविधाएं उपलब्ध हैं यथा योग्य हम देते हैं
और आगे भी इसी प्रकार अगर विभाग के आदेश से यहाँ शिविर लगेंगे तो उनमें हम जैसी भी हमारी वो होगा उपलब्ध साधन है उनसे हम ये सुविधाएं देंगे।